हाय भांजी। नानी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग आराम में ही हैं एंड हम भी अच्छे हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं मैना पोखरी टेम्पल, जो कि हमारे घर के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। और देखिए, हमारी दोनों गुड़िया ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं एंड हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग निकल नहीं वाले हैं। एक्चुअली अभी बज चुका है शायद मॉर्निंग का 8:30, क्योंकि सुबह सुबह कुछ नहीं खाया है हमने। एक्चुअली खाली पेट ही दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ घर के सामने ही जो टेंपल है शिव मंदिर, यहाँ पे आए हैं। पहले शिव मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग वहाँ पर। और ये मंदिर मेरे लिए, एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हमने शादी के दिन इसी मंदिर में मत्था टेका था पहली बार दोनों ने ही। और एक बात बता दूँ, ये हमारे दीदी के घर के सामने की मंदिर है एंड हम लोग उन्हीं के घर से निकल रहे हैं अभी। और अभी हमारा गाड़ी भी पार्किंग हो चुका है एंड अभी हम लोग यहाँ से कुछ खरीदेंगे। बाबू देखे लाई दिनु माथि अझै चिसो हुन्छ और अभी हमने यहाँ दुकान से धूप दिया बाती वगैरह सब कुछ ले लिया है एंड हम लोग अभी जाने वाले हैं ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, पता नहीं कैसे जाएंगे। और इधर देखिए, बाप बेटी पहले से ही रेडी हो चुके हैं चढ़ने के लिए। और देखिए, अभी हमारा जर्नी हो चुका है स्टार्ट। बहुत ही ऊंची पहाड़ चढ़नी पड़ती है तो अभी से थके हारे लग रहे हैं हम लोग, और सीढ़ियां चढ़नी तो बाकी है। हाय भांजी। जय भन्दे। जय हो न। जय भन्दे न। लो। जय जय। और देखिए, हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच चुके हैं और भी बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ने बाकी है। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बच्चे दोनों बच्चियाँ थी हमारे साथ। हम लोग एक्चुअली दीदी और जीजा जी के साथ आए थे, तो उनकी भी भांजा भांजी दोनों बच्चे थे उन लोगों के पास एंड हमारी भी बेटी थी। एक्चुअली बेटी को तो हस्बैंड ने ही लिया था, फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। Mm-hmm.
और देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर एंड अभी यहाँ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद शूज वगैरह उतार के यहाँ देखिए उधर वहाँ टेप में पानी गिर रहा है, वहाँ पे मुँह हाथ धो के हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। और देखिए बच्चा ने उधर कबूतर एक देख लिया, उसी के पास भागी जा रहे हैं ये पकड़ने के लिए। और देखिए अभी हम सब लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुँह हाथ धो लिया है हम सब ने एंड देखिए पापा ने एक कबूतर लिया था बेटी के लिए, वो भी छोड़ दिया है उन्होंने। और यहाँ पे आके हमने शुरुआत गणेश जी से किया जो कि मंदिर के दूसरी तरफ है। वहाँ पे गणेश शिव पार्वती की फोटो लगा हुआ था, वहाँ पे हमने दिया जलाया सबसे पहले एंड अभी यहाँ पे जला रही हूँ मैं। और मेन पूजा करने की जगह एक्चुअल में यही है। बरसों पहले जब दूसरा मंदिर जो नया मंदिर बनाया है वो नहीं था, तब सब लोग यहीं पे आके पूजा करते थे जो कि पंडित जी ने बताया हमें। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने धूप दिया वगैरह सब कुछ जला लिया है, अभी हस्बैंड जाएंगे माथा टेकने के लिए। बसंत बसंत बेटा नमो करा नमस्ते जय। और ये जो नया मंदिर है ये देवी माँ का ये बाद में बनाया है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे हमारी दोनों गुड़िया का फोटो क्लिकिंग चल रहा है, बहुत ही सारे फोटो क्लिक्स किया इन दोनों ने भी। Thank you.
और हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर थोड़ा पहाड़ चढ़ के, वहाँ पे भी शिवलिंग रखा है, वहाँ पे प्रे करेंगे शिवा जी को। उसके बाद हम लोग मैना पुखुरी का मेन जो तालाब है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और देखिए ये पहाड़ का रास्ता एंड विदाउट सैंडल बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, बट फिर भी सुकून मिला हमें यहाँ पे आके दर्शन करके। और देखिए बाप बेटी पहले से ही हाजिर है, और हमें आते आते थोड़ा लेट हुआ। और देखिए उधर मेरी दीदी भी आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था हम दोनों को चढ़ने में। और बेटियाँ भी उन लोगों के पापा के पास ही थी, हम लोग अकेले ही चढ़ रहे थे, फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था। और वहाँ पे दर्शन करके अभी हम लोग जाएंगे नीचे तालाब की ओर। देखिए उधर है तालाब, वो नीचे आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ से ही, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। ऊपर से तो बहुत ही नज़दीक दिख रहा था तालाब, बट हमें जाते जाते बहुत ही टाइम लग गया, क्योंकि बच्चा को लेके इस तरह से जाना बहुत ही रिस्की होता है, जल्दबाजी करना, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे उतरे थे वहाँ से। और अभी भी नहीं पहुँचे हैं, अभी पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए ये रहा तालाब, और ये मैना पोखरी टेम्पल का नाम भी इसी तालाब से ही जुड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे एक पंछी रहती थी पहले ही, बहुत साल पहले ही, एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के मुंह से ही सुना था हम लोगों ने ये सब। और जो पंछी रहती थी ये तालाब को गंदा होने नहीं देती थी, इसीलिए पंछी का नाम था मैना।
पता नहीं महीना महीना बोलते हैं एसएमएस में, तो इसीलिए हम भी सब लोग महीना ही बोलते हैं, तो इसीलिए ये मंदिर का नाम भी महीना पुखरी टेम्पल रखा है, जो कि मुझे हमें बताया गया था एक्चुअल में, इतना ज़्यादा पता नहीं है मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमने यहाँ सब दर्शन कर लिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। आते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा था हम सबको, बट जाते वक्त हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही स्पीड से गए हम लोग, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा जाने में। और देखिए अभी बच्चा को यहाँ पे चलना है, उतरना है सीढ़ियों से, बहुत ही ज़्यादा पैदल चली वो आज, और देखिए उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है पापा के साथ, नीचे खुद ही उतर रही है ये। और मैं ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।